नमस्ते, अन्नू की किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे बैंगन का सब्जी। तो हमने बैंगन को अच्छे से वॉश कर लिए हैं। हमने छोटे छोटे बैंगन लिए हैं, इस तरह से हम इन्हें इस तरह से काट लेंगे। ऐसे कीड़ा वगैरह चेक कर लेंगे इस तरह से देखकर। हमें सिर्फ इसमें डंटा रहने देंगे ताकि डंटा में चिपका रहे ये। काटने के बाद भी इस तरह से कीड़ा देख लेंगे। इसी तरह हम सारे बैंगनों को काट लेते हैं। हमने सारे बैंगन को काट लिए हैं इसी तरह से। हम इन्हें साइड में रखेंगे। हम एक प्लेट लेंगे, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा ही थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा तेल एक चम्मच के करीब में अच्छे से मिला लेंगे। हम सारे बैंगन में इस तरह से लगा लेंगे अंदर तक। इसी तरह से इसके अंदर में भी मसाला का फ्लेवर रहे। हमने सारे बैंगन में अच्छे से लगा लिए हैं इस तरह से, देखिए। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने 4 चम्मच के करीब में लिए हैं सरसों, हम डाल देंगे। 5-6 लहसुन की कलियां ये भी डाल देंगे। 1/2 चम्मच जीरा, खड़ा जीरा डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे पानी। अब हम इन्हें पीस लेंगे। हमने एक कढ़ाई में तेल डाले हैं सरसों का, हम इन्हें गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके सारे बैंगन को डाल देंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। धीरे धीरे हम ऐसे पलट देंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। हमें इन्हें पलटते हुए फ्राई करना है। देखिए हमारा बैंगन फ्राई हो गया है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। फ्लेम को हम लो रख कर देंगे। एक एक करके सारे बैंगन को निकाल लेंगे। सारे बैंगन को निकाल लिए हैं, हमने सारे बैंगन निकाल लिए हैं। अब हम इसी तेल में हम डाल देंगे 1 सूखी मिर्च, सूखी लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता और 5 फोरन। फ्लेम को हमने लो ही रखे हैं। अब हम इसी में डाल देंगे ये मसाला। चला लेंगे इसे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और हमें चला लेंगे अच्छे से।
पौने 3-4 मिनट के लिए भुनेंगे। फिर चलाते हुए देखिए हमारा मसाला बन चुका है। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। चला लेंगे। थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं। हम इसी में डाल देंगे बैंगन। ढक देंगे 3-4 मिनट के लिए। फ्लेम को हमने लो ही रखे हैं। 3-4 मिनट हो चुका है हमारा। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इन्हें चावल के साथ या फिर रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।